नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल के वर्सेस। दोस्तों, अभी हमने जो वीडियो अपलोड किया था पोलैंड के लिए, एक्चुअली समय कम मिल पाया इसके लिए हम आपको प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पर ट्रैवलिंग कर रहा था और काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट है पोलैंड में कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए, वैसे तो उसमें काफ़ी सारे पोजिशंस हैं, इलेक्ट्रिशियन प्रोफाइल है, प्लम्बर है, उन सारी वैकेंसीज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं दोस्तों, जो भी प्रोफाइल से, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, कंस्ट्रक्शन लेबर हो, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन लेबर हो, रोड कंस्ट्रक्शन लेबर हो, जो भी प्रोफाइल्स हैं, उन सभी प्रोफाइल्स के लिए अभी वैकेंसी हैं और उसमें से क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी सभी वैकेंसी क्लोज होने में शायद अभी समय लगेगा। और जो हमने पहले आपको बताया था कि हमारे 3 बैच बनने वाले हैं, एक बैच के लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुका है, दूसरे बैच का सबमिशन होगा वो लगभग 15 अप्रैल तक होगा और उसके बाद में जो तीसरा सबमिशन करेंगे वो लगभग 20 तारीख तक करेंगे। सो जो लोग भी पोलैंड में जाना चाहते हैं, पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी कंस्ट्रक्शन लेबर की प्रोफाइल है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से गाइडेंस आया, कंपनी अगर वर्क परमिट इशू करने के लिए रेडी है तब भी हमने ये क्राइटेरिया शेयर किया आपके साथ में। अदरवाइज इससे पहले जो भी वैकेंसीज हमने पोलैंड के लिए शेयर की उसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास था, कुछ एक्सेप्शन केस में 10th पास को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन वैसे जो नॉर्मल प्रोफाइल एक्सेप्ट होते थे ना उसमें 12th पास होना कंपलसरी होता था। अभी फिलहाल इन पोजीशंस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेक्निकल नॉलेज होगा तो उनको टेक्निकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन लेबर, रोड कंस्ट्रक्शन लेबर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन लेबर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, इनके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं, चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो ना हो, ECR पासपोर्ट हो या ECNR पासपोर्ट हो, कोई भी पासपोर्ट हो, बंदा फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कैंडिडेट फिट क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, इंग्लिश एवरेज इंग्लिश बोलना आना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान आपसे बात करे तो आप उसको बोल के रिप्लाई कर सको, उसकी बात को पहले समझ सको, फिर रिप्लाई करो और उसके रिप्लाई आपकी रिप्लाई को वो समझ पाए तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। इतनी इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आना चाहिए और इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, पासपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई फर्क नहीं पड़ता, एज क्राइटेरिया और इंग्लिश ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मेडिकल फिट होना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट का कोई ब्लैक लिस्टेड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए कि इस कंट्री में ब्लैक लिस्ट है, कहीं पे अप्लाई किया, डबल अप्लाई भी होना चाहिए, कई बार रिफ्यूजल होता है कि कोई भी कैंडिडेट एक साथ में 2-2 जगह अप्लाई करते हैं तो उनका रिफ्यूजल हो जाता है। सो दोस्तों, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं एक ही जगह पे अप्लाई करेंगे तो उनका प्रोसेस इन हो जाएगा। सो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ, सैलरी की जो रेंज रहेगी 700 से लेकर 1100 के बीच में सैलरी होगी और ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की प्रोफाइल के हिसाब से। इसमें से जो कंस्ट्रक्शन लेबर हेल्पर की प्रोफाइल है इसमें 700 से 750 यूरो सैलरी होगी, 150 यूरो फूड का अलग से मिलेगा और 200 यूरो एकोमोडेशन का अलग से मिलेगा। सो दोस्तों, ये टोटल जो सैलरी कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो सैलरी प्रोफाइल टू प्रोफाइल वैरी करेगी, लेकिन टोटल देखेंगे तो लगभग 1100-1200 के लगभग सैलरी आराम से बन जाएगी किसी भी कैंडिडेट के जो इसमें इन होंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो 700 से लेकर 1100 के बीच में बेसिक सैलरी होती है, जैसा एक्सपीरियंस होगा, जैसा प्रोफाइल फिट होगा उसके हिसाब से सैलरी कन्फर्मेशन होगा। प्रोसेसिंग टाइम होगा इसमें 3-4 मंथ्स के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसमें प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और इसमें असेसमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है, एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद में कैंडिडेट का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद में फिर वर्क परमिट की सॉफ्ट कॉपी आएगी, हार्ड कॉपी आएगी, VFS में अपॉइंटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, पासपोर्ट पर वीजा अप्रूवल होगा, उसके बाद में टिकट करके कैंडिडेट खुद फ्लाई कर देंगे और जो बैच के रूप में, क्योंकि तो एक ही कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो एक बड़ा बैच बनेगा, उसके हिसाब से लोगों का फ्लाई होगा। अभी कई बार कुछ लोगों की इंक्वायरी होती है पोलैंड में लॉकडाउन है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। दोस्तों, जो काम हो रहा है वो सब काम हो रहा है, पोलैंड में काफ़ी टाइम से वीजा निकल रहे हैं, लोगों की फ्लाइट भी हो रही है, आपने हमारे कैंडिडेट का फ्लाइट भी देखा हुआ है पोलैंड के लिए। सो जिनकी क्वायरी है कि ये है वो है, वो सिर्फ या तो बहाने हैं उनके या फिर वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, उनका प्लानिंग सिंसियर नहीं है। अभी अगर कोई बंदा फ्लाई नहीं किया होता तो हम इसको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते, लेकिन अभी फिलहाल फ्लाई भी चालू है, वीजा अप्रूवल भी चालू है, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग भी चालू है। सो यहाँ पर समय प्लस माइनस हो सकता है ट्रैवल आपका 15 डेज बाद हो, 1 मंथ बाद हो, 1.5 मंथ बाद हो, लेकिन काम जरूर होगा।
और ओवरसीज के काम में कभी भी रॉकेट साइंस नहीं होता है कि आपने अप्लाई किया और तुरंत हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन है, अरे आप आज अप्लाई करोगे कल थोड़ा फ्लाई करने वाले हो, राइट? इसमें समय लगता है, उस समय के हिसाब से आपका काम होने वाला है। सैलरी के डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, जो 9 से 10 घंटे के बीच में 9 आवर प्लस 1 आवर ब्रेक, उसके ऊपर ओवरटाइम मिलेगा, जो भी रहेगा वो कंपनी के टर्म्स होगी और पोलैंड का जो लेबर लॉ होगा उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें से वीजा 1+1 का मिलेगा, उसके बाद में रिन्यूअल होगा। कंपनी और कैंडिडेट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंपनी के साथ में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, सबॉर्डिनेट और सीनियर्स के साथ में उनकी अच्छे बॉन्डिंग होगी, तो डेफिनेटली आगे उनका रिन्यू हो जाएगा। और उसमें टीआरसी कंपनी टीआरसी बनने में कंपनी हेल्प करती है, बाद में लोग यूरोप इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए पीआर के लिए मिस प्लान कर सके और वहाँ पर उनको पीआर मिल सके। सो दोस्तों काफ़ी आसान है, और अभी सेकंड जो डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा है वो 15 अप्रैल तक होगा, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं वो 15 अप्रैल तक हमारे ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, सो दैट हम उसको आगे प्रोसेस करें और उनका प्रोसेस इन हो जाए। अभी फिलहाल फर्स्ट स्लॉट के डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं, अब उसमें एडिशन नहीं होगा, लेकिन सेकंड स्लॉट के डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ना उसमें हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं आपको 2 या 3 दिन बाद एक डेट अनाउंस करूंगा, उस डेट के हिसाब से थर्ड जो सबमिशन होगा उससे पहले हम कुछ इसमें वॉक इन इंटरव्यू भी रखने वाले हैं ऑफिस में, और उस इंटरव्यू के दौरान जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो उसमें आएंगे। लेकिन इसमें वॉक इन इंटरव्यू में अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन थोड़ी टफ है, हम लोग इसमें बीस ऐसा प्लान करेंगे जिसमें से जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं वो हमें पहले से इन्फॉर्म करके आए, स्लॉट बनाएंगे कि एक दिन में 10 से 12 इतने लोग आना है, 12 से 2 इतने लोग आना है, 2 से 4 इतने लोग आना, स्लॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी इस टाइम पर गैदरिंग पॉसिबल नहीं है और गैदरिंग सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए जो भी हम शेड्यूल बनाएंगे 3 या 4 दिन में इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं और उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और उनका प्रोसेस उसी हिसाब से होगा, लेकिन कैंडिडेट को स्लॉट में आना पड़ेगा और जो भी बाहर से आएंगे उनको पहले से इन्फॉर्म करना होगा कि वो सर्टेन डेट पे आने वाले हैं, फलाने डेट पे आएंगे, 10 तारीख को आने वाले हैं, 20 को आने वाले हैं, जो भी डेट रहेगा 20 तारीख तक जो सबमिशन होगा उससे पहले डेफिनेटली एक इंटरव्यू जरूर होगा और उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा ताकि दूर के लोग प्लान करके हमारे ऑफिस में आ सकें, और उस टाइम पर मैं ऑफिस में डेफिनेटली मिलने वाला हूँ और पूरे इंटरव्यू कनेक्ट करने का प्रोसेस मैं खुद करने वाला हूँ। सो जो लोग भी पोलैंड में अपना प्लान करना चाहते हैं, पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप में सेट होना चाहते हैं, पोलैंड एक शेंगेन कंट्री है, 26 देशों में उनको करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जो लोग भी आना चाहते हैं वो डेफिनेटली मिस 15 से पहले आएंगे तो उनको सेकेंड स्लॉट में डाल देंगे या उसके बाद आएंगे तो उनको थर्ड स्लॉट में जरूर डाल देंगे। दोस्तों वैकेंसी के सिलसिले में पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे रिलेवेंट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करेंगे तो जो नीडी लोग हैं वो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।